So guys, as always, always, my goodness. Hey guys, welcome back to my channel and welcome if you are new here. So this is me, Shivangi, and today I'm gonna share my Nykaa haul with you all. So guys, if you are interested knowing that what products I have in today's Nykaa haul, then please stay tuned. And before that, if you are new here, then please make sure that you subscribe to my channel, press the bell button for notification, and agar aapko video pasand aaye, then please like and share. Now let's quickly jump into the video. सो गाइज, हमेशा की तरह मैं स्किन केयर प्रोडक्ट से पहले स्टार्ट करूंगी. एंड स्किन केयर में सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरे पास ये बायोटेक की डैंडलियन फेस सीरम. एंड अच्छी बात ये है इस बार की कि मुझे ये बड़ी बॉटल मिल गई है. अदरवाइज मुझे ये छोटी बॉटल हमेशा मिलती थी नायका पे. एंड दिस इज अ क्वांटिटी ऑफ 40 ml ऑफ ₹230. एंड ये क्वान्टिटी है आपकी 190 ml. यस, 190 ml. एंड ये मुझे मिली है 519 समथिंग. एंड गाइज, एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए प्लीज आप मेरा स्क्रीन चेक कर लीजिएगा. तो ये था बायोटेक की पहली फेस सीरम. एंड मुझे बायोटेक के स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत सूट करते हैं मेरी स्किन को. दैट इज वाई आई ऑलवेज रीपर्चेज देम एंड री स्टॉक देम. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये बायोटेक की डे क्रीम. दिस इज बायो कोकोनट व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम. एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. एंड ये है इसकी आउटर पैकेजिंग. एंड दिस इज हाउ इट्स बॉटल लुक्स लाइक. तो मेरे पास दो बॉटल है, ये मैंने ऑलरेडी यूज कर ली है. लेट मी शो यू, ये मेरी पूरी खत्म हो गई है. ग्लेयर कर रहा है कैमरे में, तो ये पूरी खत्म हो गई है इसलिए मैंने इसे रीपर्चेज किया है. मैं इसे हमेशा ही रीस्टॉक करती हूँ. दिस इज अ कोकोनट वेरिएंट. बाय द वे, मेरी स्किन है ड्राई एंड सेंसिटिव, बट अगर आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई है तो आप इसका सैफ्रन वेरियंट ट्राई कर सकते हो. वो और भी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, बट मेरे लिए ये कोकोनट वेरियंट काफ़ी अच्छा होता है. मैं इसे थ्रू आउट द विंटर्स यूज़ करती हूँ. एंड इसकी मैंने काफ़ी सारी बॉटल यूज़ भी कर लिया. लाइक लास्ट विंटर्स भी मैंने इसे यूज किया है. दैट इज वाई मैं इतने एक्सपीरियंस है. आपको हाईली 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 रेकमेंड कर रही हूँ, इसे आप जरूर ट्राई करना. एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी लाइक माइल्ड है. एंड ये अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करती है ये बायोटेक की डे क्रीम. बट येस, आपकी स्किन को ऑयली और स्वेटी भी नहीं बनाती. इट गेट्स लाइक रियली सिंक इन टू योर स्किन. सो हाईली रेकमेंडेड. एंड अगर आप चाहो तो आप इसकी नाइट क्रीम भी ट्राई कर सकते हो. मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ. इवन सीरम भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ. एंड इट रियली वर्क्स ग्रेट ऑन माय स्किन. दैट इज़ व्हाई आई एम रेकमेंडिंग यू. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस बायोटेक कैरेट सीड एंटी एजिंग आफ्टर बाथ बॉडी ऑयल. ऑब्वियसली इसके नाम से पता चल गया होगा, इसे आपको नहाने के बाद अपने बॉडी पे इस ऑयल से मॉइस्चराइज कर सकते हो, मसाज कर सकते हो. बेसिकली विंटर्स में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है. दैट इज वाई मैंने ये प्रोडक्ट पहली बार ये ट्राई किया, बट मैंने इसे थोड़ा सा यूज भी कर लिया है. इसकी अरोमा मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्लीजिंग सी अरोमा है. एंड या हाइड्रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक हाइड्रेट कर देता है. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव विद मी इज दिस गार्नियर रिंकल लिफ्ट एंटी एजिंग क्रीम. तो इसे मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है एंड उसके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं. सो इस बारी मैंने भी इसे ट्राई किया, बट इसकी मैंने बहुत ही छोटी सी बॉटल ट्राई करने के लिए ली है. दिस इज़ अ क्वान्टिटी ऑफ 18 grams. एंड वैसे मुझे गार्नियर के प्रोडक्ट्स उतना मतलब पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे स्किन पर वो मुझे थोड़े हार्ड लगते हैं. सो बट देखते हैं कि ये कितना अच्छा काम करती है मेरी स्किन पर. सो ये थे मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स. एंड नाउ गाइज, आई हैव फ्यू मेकअप प्रोडक्ट्स एज वेल. तो इस बारी के का मैंने काजल ट्राई किया है. इसके भी बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ मैंने यूट्यूब पे एंड उस पर नायका पे भी देखे हैं. सो दिस टाइम आई थिंक दैट आई शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट एज वेल. वैसे मैं काजल लवर नहीं हूँ, बट देन टू कभी कभार मैं काजल यूज़ करती हूँ. सो ये थी इसकी आउटर पैकेजिंग. एंड ये है अंदर से इसकी पैकेजिंग. एंड इट्स अ काइंड ऑफ ट्विस्टर और रिट्रैक्टेबल पेंसिल. सो अच्छी बात है यार, शार्प नहीं करना पड़ता है. शार्प करने से काफ़ी सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है. एंड ये कितना इंटेंस ब्लैक है, लेट्स सी. ठीक ठाक ब्लैक है, बट ये स्मर्ज प्रूफ है और क्या कैसा है, तो ये तो ये मुझे यूज करने के बाद ही पता चलेगा. बट देन नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस वेट एंड वाइल्ड कंसीलर.
एंड ये कंसीलर गाइस बहुत अच्छा है. इफ़ यू आर लाइक लुकिंग फॉर अ नाइस कंसीलर एंड थोड़ा अफोर्डेबल भी, देन आप इससे ज़रूर एक बार ये ट्राई करना. दिस इज वेट एंड वाइल्ड कंसीलर एंड आई एम इन द शेड मीडियम लाइट मीडियम बेज. अगर आप मेरे स्किन के अराउंड हो देन डेफिनेटली आप इस शेड के लिए जा सकते हो एंड दिस इज अ परफेक्ट मैच ऑफ माई स्किन. अगर हाईलाइटिंग पर्पज के लिए जाना चाहते हो तो एक शेड लाइटर जा सकते हो. ये बहुत अच्छे से कंसील करता है. इट हैज रियली नाइस कवरेज, लाइट वेट, ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है एंड वॉट एल्स यार, सब कुछ बहुत अच्छा है इसमें. सो आई एम रियली लाइकिंग दिस प्राइम कंसीलर एंड इसे मैंने रीपर्चेज किया है. सो वेट एंड वाइल्ड के इस बारे में मैंने वैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिए हैं. देन वेट एंड वाइल्ड का मैंने ये ग्लासी ग्लॉस भी ट्राई किया है बिकॉज आई एम प्लानिंग टू शेयर लाइक विंटर गो टू लुक जिसमें मैं ग्लॉस अप्लाई करने वाली हूँ. वैसे मैं ग्लॉस लवर भी बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे मैट लिपस्टिक एंड मैट लिप्स ज़्यादा पसंद है एंड इसका एग्जैक्ट शेड आपको मेरे स्क्रीन पे मिल जाएगा. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट वेट एंड वाइल्ड का मैंने लिया है ये क्लियर मस्कारा. एंड व्हेनेवर गाइज आई प्रेफर लाइक मोर नेचुरल लुक तो मैं इस तरह का क्लियर मस्कारा यूज़ करती हूँ. इवन ब्राउज पे भी एंड लैशेस पे तो ऑब्वियसली यूज़ करते हैं. एंड अगर आप पूल वगैरह में जा रहे हो एंड बहुत ही नेचुरल सा लुक चाहते हो, क्योंकि मेरी एक ट्रिप अभी प्लान हुई है तो मैंने उसके लिए ये मस्कारा बाय किया है. दिस इज रियली अ नाइस मस्कारा, क्लियर मस्कारा, अच्छा मस्कारा ये. नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन विद मी इज वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट एंड ये प्रोडक्ट मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ एंड वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस प्रोडक्ट. दिस इज अ पिगमेंट, लूज पिगमेंट, आई शेडो में यूज कर सकते हो आप इसे, हाईलाइटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो एंड लिप्स पे भी आप थोड़ा अगर शाइन या ऐसा कुछ चाहते हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो. एंड ये मैंने शेड पिक किया है कैरल और इसमें क्वान्टिटी आपको मिलती है 2 grams. बट इसकी शीन, इसकी पिगमेंट, माई गुडनेस, ये कुछ इस तरह की छोटी सी बॉटल में आता है. मैंने इसे खोला था तो ये ऑलरेडी बाहर आया हुआ है प्रोडक्ट, तो कोई नहीं मैं इसे क्लीन कर लूँगी. बट लेट मी शो यू इट्स पिगमेंट और इट्स शाइन. लुक एट इट्स पिगमेंट, माई गुडनेस. एंड नेक्स्ट इज अगेन अ वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट एंड इस बारी मैंने लिया है कॉन्टोरिंग पैलेट जिसमें से आपको एक हाईलाइटिंग शेड मिलता है, एक कॉन्टोरिंग, मतलब दो शेड आपको एक सिंगल पैलेट में मिल जाते हैं. दिस इज रियली अ नाइस थिंग. बट मैं ये शेड नहीं यूज करती हूँ क्योंकि मैं लूज पाउडर यूज करती हूँ, सो ये नहीं यूज होता मेरा ये. बट ये शेड बहुत अच्छा है एंड आई एम द शेड कैरमेल टॉफी, मैंने ये शेड पिक किया है एंड रियली अ नाइस पैलेट. एंड ये वेट एंड वाइल्ड का मैंने छोटा सा सिंगल आई शेडो लिया है एंड दिस इज इन शेड एनवी एंड ये इसकी पिगमेंट मुझे अच्छी लगी. ये मुझे शायद सिर्फ 95-98 ऐसे कुछ रुपीज में मिला था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट काफ़ी अफोर्डेबल था. एंड लुक एट इट्स पिगमेंट, बहुत 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 अच्छी लगी मुझे इसकी पिगमेंट एंड आई एम रियली लाइकिंग दिस प्रोडक्ट एज वेल. वेट एंड वाइल्ड के वैसे प्रोडक्ट कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज नाउ दिस इज अ डिफरेंट वन. ये वेट एंड वाइल्ड नहीं है, ये है मेबलिन का हाईलाइटर एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड विद मेबलिन हाईलाइटर्स. इसका मेरे पास ये है 100 मोल्टन गोल्ड, इसका है मेरे पास, आपने देखा ही होगा, मेरे पास है रोज़ गोल्ड, 50 मोल्टन रोज़ गोल्ड एंड माय गुडनेस, इसकी शीन, इसकी हाइलाइटिंग मतलब बहुत अच्छी है. मुझे आज तक के, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे जितने भी मैंने हाइलाइटर यूज़ किया, आई हैव यूज रेवोल्यूशन एज वेल, बट मुझे उतनी अच्छी हाइलाइटिंग नहीं मिलती है एंड यू कैन सी इट्स अ शाइन, पिगमेंट, हाईलाइटिंग, शीन, कुछ भी कह लो, बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी इसकी ब्लाइंडिंग है एंड इट हाईलाइट्स सो वेल. इस समय मैंने फेस पे हाईलाइटर नहीं अप्लाई किया है, लेट मी शो यू. ओ माय गुडनेस, वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छा हाईलाइटर है, बहुत 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 अच्छा हाईलाइटर है. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एज वेल. बहुत अच्छा हाईलाइटर एंड इसे आप देख सकते हो, मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया है एंड इट रियली ग्लैम अप योर फेस. नेक्स्ट इज दिस ब्रश, ये है प्रो आर्ट का ब्रश लिया है मैंने एंड ये थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है, स्पेशली आई शेडोज के लिए ही है एंड इसका जो वेरियंट है वो मैंने पिक किया है PF 13 एंड अभी तक मैंने इसे यूज नहीं किया है बट इसके ब्रिसल्स वगैरह काफ़ी सॉफ्ट हैं. सो दिस वॉज द
another product that I bought from Nykaa, and now the lipstick. तो मैंने Nykaa की ही mini lipstick try करी है क्योंकि मुझे इनकी mini lipsticks बहुत पसंद आई. Guys, मैं उतना lipsticks day to day life में नहीं पहनती हूँ, so मुझे ऐसे ही कुछ छोटी सी lipstick चाहिए होती जो कि कहीं भी easily आ जाए, and I am really in love with these lipsticks. इसका कोई भी shade उठाओ बहुत अच्छा है. I have few shades with me, Bombay, Janvi, Kapi, and इस बारी मैंने एक और shade add किया है. This is a Maharani shade and really बहुत opaque finish है. Let me show you its pigment as well and इसका shade exactly मैं दिखा दूँ. And really very gorgeous shade and face को भी काफी अच्छा brighten up कर देता है अगर आप कोई dark lipstick लगाते हो. मैंने आज ये look क्रिएट किया है या ये लुक कैरी किया है इस वीडियो को शूट करने के लिए. मुझे बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको ये, एंड साथ ही मैंने ये चीज़ भी पहनी हुई है. सो द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल, दिस इज कारा वेट वाइप्स. एंड गाइस, ये पैराबेन अल्कोहल फ्री है. दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. इट हैज़ वाइटमिन ई एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज 100% नेचुरल एंड बायोडिग्रेडेबल. सो गाइज, ये टोटली सेफ है यूज करने के लिए एंड अपनी प्लैनेट को भी गंदा नहीं करेगा. इस तरह के वेट वाइप्स मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ. दिस रियली नाइस फॉर ट्रैवलिंग पर्पज एज वेल. सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. एंड येस, फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन. एंड येस गाइज, आप मेरे अगर डेली अपडेट्स चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. दोनों की आईडीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. एंड नाउ आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन यू गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय.